नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथी दवा के बारे में जो आपके नसों की कमजोरी को दूर कर देगा, आपके मांसपेशियों को मजबूत कर देगा, और दोस्तों आपके अंदर अगर नपुंसकता आ गई है तो उसे यह दवा पूर्ण रूप से ठीक कर देगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप अत्यधिक चिंता के कारण, या आप शोकग्रस्त हैं, या आप अनिद्रा के शिकार हैं, या आप अत्यधिक स्वप्न दोष के कारण नपुंसकता के शिकार हो गए हैं, या दोस्तों आपके नसों में कमजोरी आ गई है, तो ये दवा आपके लिए बेहद ही कारगर है। आप पूरे वीडियो को देख लें, समझ लें, उसके बाद ही दोस्तों इस दवा का सेवन करें। मुख्य रूप से यह जो दवा है, यह नसों में कमजोरी को दूर करने वाली दवा है, या आपके नसों को मजबूत कर देता है, या आपके नसों में ताकत ला देता है, और जो शिथिलता रहती है उसे दूर कर देती है। दोस्तों, यह दवा हमारे शारीरिक कमजोरी को दूर कर हमारे नसों को, हमारे मांसपेशियों को मजबूत कर देती है। डॉक्टर हिजेज साहब कहते हैं कि जिस तरह से रक्तहीन पेशेंट में, जो एनेमिक पेशेंट होते हैं, उसमें जिस तरह से आयरन काम करता है, ठीक उसी तरह से यह दवा स्नायुमंडल की कमजोरी वाले व्यक्ति में, या फिर नसों की कमजोरी वाले व्यक्ति में या पेशेंट में यह दवा उसी तरह से काम करता है। जी हाँ दोस्तों, इस दवा का नाम है एसिड फॉस। एसिड फॉस, जिसे हम लोग फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, यही ये दवा है दोस्तों, जो कि मुख्य रूप से हमारे नसों की कमजोरी को दूर कर हमारे मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, और हमारे शरीर को स्फूर्तवान और दोस्तों ताकतवर बना देता है। अगर आपके नसों में कमजोरी है तो आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर एक बात और भी बता दूं कि यह दवा डायबिटिक पेशेंट के लिए भी उतना ही लाभकारी है। जो मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए भी ये दवा उतना ही लाभकारी है, और उनकी भी नपुंसकता को ये दूर कर देती है। आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसका जो डोज है दोस्तों, आप इसे मदर टिंचर में एसिड फॉस, जिसका पूरा नाम है एसिडम फॉस्फोरिकम, दोस्तों इसका आपको मदर टिंचर लेनी है। आप इसका 10 बूंद दवा 4 चम्मच पानी में, ठंडा पानी में मिला लें। खाना खाने के आधा घंटा के बाद आपको लेना है 3 बार, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात, दोस्तों पानी में मिला कर लें, और कुछ दिनों तक इसका सेवन करें तो आपको लाभ होगा। और दोस्तों, एसिड फॉस क्यू के बाद आप इसे 1x में ले सकते हैं, 30 पोटेंशियल में ले सकते हैं, या फिर 200 में भी ले सकते हैं। जिस तरह का सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, या जिस तरह का सिम्टम्स डिमांड करेगा, उस तरह से आप दवा का सेवन कर सकते हैं। एसिड फॉस 3x या 1x में जो दवाइयां आएंगी दोस्तों, अगर टैबलेट फॉर्म में आपको है तो उसका 4-4 टैबलेट 3 बार चूस लेना है सुसुम पानी के साथ, या फिर दोस्तों आप जब इसे एसिड फॉस 30 लेंगे तो उसे 5-5 बूंद 3 बार ले सकते हैं। एसिड फॉस 200 को 5 बूंद 1 बार रोज ले सकते हैं। ये था इसका डोज, आप इस दवा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।